बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरपर्सन एस्पायर पाकिस्तान हसन सैयद साहब, डायरेक्टर न्यूटेक, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मौजम एजाज साहब, प्रोजेक्ट डायरेक्टर शाहजाना मेमंस, लेडीज एंड जेंटलमैन, द अवार्ड विनर्स, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू बी हियर, मे बी वन ऑफ द लास्ट फ्यू ओकेजन्स व्हेन आई विल बी एड्रेसिंग ऑल ऑफ यू। द वर्ल्ड मूव्स एंड मूव्स and we hope every time the world moves, every time at least Pakistan in a better shape. मैं proponent हूँ बहुत अरसे से, तकरीबन 15 साल से, कि innovation should be applied in all fields of Pakistan. और वो innovation कभी मैंने इसकी बात की कि education के अंदर आए, online training और online education हो। और द फर्स्ट स्पीच आई मेड ऑन ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन वॉज इन शेंज़ेन 2007। और मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ टैलेंट हंटिंग की, और मैंने वहाँ लोगों को चैलेंज किया कि अगर पाकिस्तान के पास नॉलेज की आसानियाँ पैदा हों तो पाकिस्तान भी डेंटिस्ट्री की फोरम थी कि फ़ौरन तरक्की कर सकता है। एंड आई गिव एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड आई सेड पाकिस्तानी डेंटिस्ट जस्ट नीड्स इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, नथिंग मोर, कोई बहुत बड़ा एक्सपेंसिव काम नहीं है। आइडियाज़ को अगर मुल्क वक्त पर नहीं पकड़े तो वो मुल्क को नुकसान होता है। डू यू नो सिंगापुर, दुबई, दे पिक्ड अप वेरी सिंपल आइडियाज़ ऑफ वेलकमिंग पीपल फ्रॉम थ्रू आउट द वर्ल्ड, इस्टेब्लिशिंग अ फेयर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विद इन देयर ओन कंट्रीज एंड विद नो रिसोर्सेज विद इन देयर ओन कंट्रीज। सिंगापुर हैड नो नेचुरल रिसोर्सेज कमिंग फ्रॉम द ग्राउंड, जस्ट अ सिंपल आइडिया जो दुनिया कॉपी कर रही है पिछले 30-40 साल से। अच्छा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो फोरम है ये बेहतरीन फोरम है, थैंक्स टू हसन सैयद साहब, थैंक्स टू जनरल साहब, आप सब लोगों ने मिलकर एंड ऑल द टीम इसको बढ़ाया है, बढ़ता जाएगा। जो चीज़ निकलती है वो फिर रुकती नहीं है, अच्छे काम बढ़ते चले जाते हैं। मगर उस रेगिस्तान के अंदर अगर चंद कतरे आप पानी के डालते जाएँ तो तब्दीली नहीं आती। तब्दीली आती है, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ऑफ 5 years, इट्स इज माई प्लेजर टू शेयर विद यू, कि तब्दीली आती है सिर्फ इस बात से नहीं कि सोल्यूशन नहीं है। आप में से हर एक शख्स को पाकिस्तान का सोल्यूशन मालूम है। एनी बडी हु डजंट नो सोल्यूशन हाथ उठा दे, अभी ओपिनियन लिया जाएगा एवरीबडी। उसमें से 10 सोल्यूशन ऐसे होंगे जो सबके अंदर कॉमन होंगे। तो सोल्यूशन का फुकदान नहीं है, ये डूअर्स का फुकदान है, ये लीडरशिप का फुकदान है। वाई डोंट वी रिकोगनाइज दैट? ये दुबई में और शारजा और जनाब यू नेम इट और सिंगापुर, यहाँ क्या था? यहाँ रिसोर्सेज नहीं थे, यहाँ लीडरशिप थी, इंटेलेक्ट थी, जिसको रिकग्नाइज किया कि जी मुल्क को बेहतर करेंगे, लाखों करोड़ों आइडियाज उसमें से जन्म पाते रहेंगे। सो दैट इज़ वाई आई मस्ट टेल यू कि आइडियाज़ का ज़माना है, इंटेलेक्ट का ज़माना है, ह्यूमन रिसोर्सेज का ज़माना है। द अमाउंट ऑफ डेटा एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड टूडे इज फार बियॉन्ड ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन। एस्ट्रोनॉमी का जो डेटा, हबल वेब जेम्स वेब टेलीस्कोप का जो डेटा है, ये अगले 10-15 साल में भी एनालाइज होता रहेगा। एवरी इमेज, जो इमेजेस लिए गए थे पिछले टेलीस्कोप से, जो 1990 के अंदर रेडियो टेलीस्कोप से, वो आज तक एनालाइज होते हैं, आज तक उनमें से तलाश कर लिया जाता है नोवाज एंड सुपरनोवाज एंड न्यूट्रॉन स्टार्स एंड एवरीथिंग। आज तक यू गो बैक एंड लुक एट दैट डेटा और उसको एनालाइज करते हैं विद न्यू टेक्निक्स एंड न्यू टैलेंट। तो लिहाजा सबसे अहम चीज़ है दुनिया के अंदर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। और मगर ये चलती कैसे है? ये चलती अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में है। जब आप सिलिकॉन वैली की बात करते हैं तो वो नर्चर करने वाले वो बाग हैं जहाँ पर इंटेलेक्ट नर्चर होता है। अगर आपके मुल्क में नहीं होता तो द बेस्ट एग्जाम्पल इज फॉर एग्जाम्पल ये व्हाट्सएप वॉज डेवलप्ड बाय अ पर्सन हु लिव्ड इन यूक्रेन। ही डिसाइडेड कि यूक्रेन में मैं इसको रजिस्टर नहीं करूँ, उसने कहीं बाहर रजिस्टर किया एंड सोल्ड इट फॉर $18 बिलियन। $18 बिलियन को वो आइडिया उसने बेचा है, और यूक्रेन की उस वक्त सारी डेट से ज़्यादा वो पैसा था। फिशरीज में पाकिस्तान एंड वियतनाम वॉज एक्सपोर्टिंग $300 मिलियन ऑफ फिश इन 1999, $300 मिलियन फिश। हमारा कोस्ट बड़ा, उनका कोस्ट छोटा, $300 मिलियन ऑफ फिश हम एक्सपोर्ट करते थे। द लास्ट आई नो पाकिस्तान इज एक्सपोर्टिंग $500 मिलियन ऑफ फिश, $200 मिलियन बड़ा। वियतनाम इज एक्सपोर्टिंग $11 बिलियन ऑफ फिश। सेम समंदर, सेम पानी, व्हाट्स द डिफरेंस? इट्स यू एंड देम, टेक इट।
When I accuse us ourselves, मैं आप जब यू कहता हूं तो it means me also. Take it. Exporting $11 billion fish. Today $300 billion की उसकी export है. It's a vibrant economy. From starting from zero, Pakistan was never at zero like that. Starting from zero and it changed. लिहाजा क्या हुआ? Let me tell you what happens, you know, when the nation अपने रास्तों में भटकती है तो वो लोग उठने चाहिए, वो लीडरशिप निकलनी चाहिए जो उनको रास्ते में उठाएं, उनको सहारा दें. Nothing can stop an idea which whose time has come. एक बेहतरीन कामयाबी आपको बताऊं कि कोविड में you were the third best performing country in the world. कोविड की कामयाबी क्यों हुई? कोविड की कामयाबी यूं हुई कि एक तो ये बीमारी ऐसी आई जिसने अमीर एलीट और नॉन एलीट को यकसा हिट किया. ये बड़ी अहम बात आपसे कर रहा हूं. एलीट और नॉन एलीट को यकसा हिट किया. अगर ये गरीबों को सिर्फ हिट करती तो मैं आपको कंपैरिजन बताता हूं कि जो चीजें गरीबों को हिट कर रही हैं उसमें आपकी क्या कॉन्शियसनेस है. तो गरीब और अमीर दोनों को हिट किया तो लिहाजा पॉलिसीज बनी और एक्टिवेशन हुआ. दूसरे, आपने ये डेटा और साइंस को फॉलो किया. देखो, कौम के लिए सारी चीजें जरूरी हैं, सिर्फ नियत, शराफत, इंसानियत, दयानतदारी जरूरी नहीं है, साइंस की जरूरत आती है. आपने डेटा को फॉलो किया. क्या डेटा था? आपके पास एक्सपीरियंस था पोलियो का, कि पोलियो का वायरस जहां मिला आपने फोकस वहां पर किया और एंटी पोलियो ड्रॉप्स आपने वहीं पर दिए. तो लिहाजा आपने कोविड को भी ऐसे हैंडल किया कि जहां कोविड की इंडिकेटर्स ज्यादा हुए उसको आइसोलेट करके काम किया. तीसरे, आपने डेटा शेयरिंग की डिस्पाइट नो लॉज बीइंग देयर ऑन डेटा शेयरिंग, बट बिकॉज सबको अपनी मौत का डर था तो लॉज को आपने पॉजिटिवली बेंड करके हैंडल किया. ये नहीं कि लॉज को इस्तेमाल किया सियासत को रोकने के लिए या लोगों को रोकने के लिए, सियासत को रोकने के लिए. आपने लॉज को बेंड करके पॉजिटिवली इस्तेमाल किया एंड यू शेयर डेटा. चौथे, आपने मस्जिदें खुली रखी, अल्लाह की बरकत आई. पांचवें, आपने इसका प्रचार किया एंड यू आर द थर्ड बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. मिलिट्री एंड सिविलियन कोऑपरेशन हुआ इन एवरीथिंग. करप्शन कम हुआ, मौका नहीं मिला ना करप्शन का, करप्शन कम का हुआ एंड यू डिड इट. जब एलीट को और नॉन एलीट का फर्क आता है तो मैं आपको बताता हूं, 2,62,00,000 बच्चे स्कूलों के बाहर हैं. किसके बच्चे बाहर हैं? आपके नहीं है बाहर, गरीबों के बच्चे बाहर हैं. और आपको पता कब चला कि 2,62,00,000 बच्चे बाहर हैं स्कूलों के? इन इंडिया 100% चिल्ड्रन गो टू स्कूल, इन बांग्लादेश 100% चिल्ड्रन गो टू स्कूल, इन श्रीलंका 100% चिल्ड्रन गो टू स्कूल. व्हेन डिड यू रियलाइज कि 2,62,00,000 44% ऑफ योर चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल? गरीब के बच्चे. अगर कोविड की बीमारी गरीबों को लगती तो हम ये बात सुन रहे होते कि जी अनहाइजीनिक सिचुएशंस में रहते हैं, ये बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं. मैं गरीबों की एक और बीमारी आपको बताऊं जो आपको, आप उसको हैंडल ही नहीं करें, मेल न्यूट्रिशन, न्यूनेटल मोर्टैलिटी, मेटर्नल मोर्टैलिटीज एंड सेहत गरीबों की बीमारी है. लिहाजा इग्नोरेंस है एलीट का. तो मैं कहता हूं सॉल्यूशंस आर स्टेयरिंग यू इन द फेस, लेडीज एंड जेंटलमैन, द सॉल्यूशंस आर स्टेयरिंग द कंट्री इन देयर फेस, एंड विदाउट गुड लीडरशिप दिस सॉल्यूशंस के ऊपर काम नहीं हो सकता. अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है सूरह मायदा के अंदर, आई सेड दैट आई हैव बीन अपीलिंग टू पीपल ऑल द टाइम के यूनाइट द कंट्री. देयर कैन नॉट बी अ बेटर मैसेज. आप सब लोग यूनाइटेडली आपने आइडियाज बैंक बनाया और काम किया, आपने काम करके कुछ अचीव कर लिया. विदाउट यूनिटी नथिंग विल वर्क. इस वक्त वेस्टेड इंटरेस्ट का वर्ल्ड ऑर्डर है, दुनिया को भूख है इंसाफ की. इस वक्त गाजा को देखकर मुझे नाउम्मीदी यह हुई कि अगर इल्म दिल को भी नरम कर रहा होता तो गाजा के अंदर ये जुल्म नहीं देखते मैं और आप. ये जमहूरियतें हैं जिन्होंने इग्नोर किया है, ये पढ़ी लिखी जमहूरियतें हैं जिन्होंने इग्नोर किया. एंड माई एंगल इज कि जो मोरालिटी है ये तालीम और इल्म से नहीं आती, ये दिल से आती है. मैं अल्लाह ताला से हर नमाज के बाद जो दुआ करता हूँ इसी वक्त करता हूँ कि अल्लाह मेरा दिल और दिमाग दोनों रोशन करे, मीनिंग द फैक्ट कि मेरी हमदर्दी, मेरी इंसानियत वो भी मुनव्वर हो इल्म के साथ साथ. ये अकेला इल्म जब आगे जाता है तो बड़ा जालिम है इंसान बेनता. गाजा आपने देख लिया, तस्वीरें आ गई, यानी ये नहीं कि कहानियां हैं, तस्वीरें आ गई. एंड स्टिल द फोबिया एंड बायस, द वर्ल्ड इज स्टिल इग्नोरिंग. दुनिया मांग रही है कि
सीज फायर करो, नहीं हो रहा। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखो बहुत बड़ा फर्क हुआ, एंड रजिस्टर दैट बिकॉज पाकिस्तान एज अ नेशन आई एम वेरी होपफुल कि इट विल राइज। ये जो आप कहते हैं ना कि जी ये ब्रिलियंट कौम है, इसमें सीड्स ब्रिलियंस के हैं, मगर रेगिस्तानी कैफियत उसके साथ साथ चलती है। उन सीड्स को पनपने के लिए प्लीज रिकॉग्नाइज के हिस्ट्री इज बेकनिंग यू। तो मैं ये समझता हूं आज कि वेस्टेड इंटरेस्ट की दुनिया को एथिक्स बेस्ड दुनिया बनाने में और मोरालिटी बेस्ड दुनिया बनाने में एक कमजोर पाकिस्तान की आवाज यूजलेस है, मगर एक प्रिंसिपल्ड पाकिस्तान की जो अपने आप को उठा ले, एंड इट हैज ऑल द पोटेंशियल एंड ऑल द सीड्स विद इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट पीपल सिटिंग देयर विद ऑल द सीड्स अवेलेबल, उसके पास बेइंतहा पोटेंशियल है। दुनिया की जरूरत है। दी एक्सट्रीमिज्म इन वेल्थ, जिसको थॉमस पिकेटी में कैपिटल में आइडियोलॉजी में दोनों में लिखा, द एक्सट्रीमिज्म इन वेल्थ, द डिस्क्रेपेंसी इन द रिचेस एंड द पुअरेस्ट, जिसको ऑक्सफैम में अभी कोट किया कि फाइव इंडिविजुअल्स इन द वर्ल्ड टॉप बिलियनर्स अर्न मोर इनकम, देयर इनकम्स वेंट एज मच अप एज द पॉवर्टी ऑफ द बॉटम 50% ऑफ पीपल ऑफ द वर्ल्ड, पांच इंडिविजुअल्स की। ये जो इस्लामी तालीमात की नफी है कि जिसके अंदर मुनाफा इस उरूज तक जाए कि ये डिस्क्रेपेंसीज हों। The wealth of nations has been exploited and destroyed. Mutually assured destruction spent $10 trillion on weapons of mass destruction. $10 trillion. $8 trillion is enough to end world poverty. तो लिहाजा दुनिया जो है वो आइडिया लेस है, वो मोरालिटी लेस है, वो एथिक्स लेस है। इसमें मेरा पाकिस्तान और आप लोग, जिनकी मोरालिटी अपनी जगह पर है, जिनकी खानदान की स्ट्रेंथ अपनी जगह पर है, जो जब मिलकर काम करते हैं दे डू एक्सेप्शनल वर्क, आपको पुकार पुकार कर दुनिया आवाज दे रही है। ये सबटेरेनियन आवाज है, ये छुपी हुई आवाज है, मगर जो समझदार है, अल्लामा इकबाल जैसा आदमी, जो फलसफी जिसने इस बात को रिकग्नाइज किया आज से 30-40 साल पहले, इमेजिन जब उसके रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मुस्लिम थॉट के लेक्चर्स थे, दे वर ऑल इन इंग्लिश बिकॉज ही वॉज thinking in his lectures of communicating to the world about his ideas. So the seeds are there, jarasim bhi maujood hai, will bhi maujood hai, magar ye ke repair your country, aapas mein mohabbaton ke sath repair karo, bar bar opportunities Allah nahi dega, uski mashiyat hai, khudawandi ke andar hai ki duniya ki baagdor unko deta hai jo is qabil ho, jo lekar chale. The opportunities, my dear Pakistanis, the opportunities are there for you. 22 lakh freelancers hain Pakistan mein. Umar Saif told me PM's initiative on digital skills, uske andar aur bahut cheezon se, ye itna acha sona hai ki ye Pakistan ki maishat se hatkar, aur aap log bhi Pakistan ki maishat se bhi hatkar, your skills are ready to sell to the world. But at the same time, duniya bhi itni bhooki hai कि आप सबको एंटाइज कर लेगी अपने पास, और मेरे मुल्क का नुकसान होगा, और मैं इतना परेशान हूँ कि जनाब द पॉलिसीज आर बीइंग मेड कि जी नर्सेज 9 लाख नर्सेज की जरूरत है, द गवर्नमेंट इज मेकिंग पॉलिसीज के नर्सेज को भी एक्सपोर्ट करो, हमारे पास 1 लाख नर्सेज और 9 की जरूरत है। डॉक्टर्स बाहर जा रहे हैं, लोग खुश होते हैं कि जी डॉलर्स आ रहे हैं। यार ये तो इतनी मुश्किल से हम डॉक्टर्स बनाते हैं, इतनी अच्छी तरबियत आपके खानदानों से उनको मिलती है, और आप सब इस टैलेंट को एक्सपोर्ट कर देंगे तो दुनिया गुलो गुलजार होगी, और मेरा मुल्क अगर रेगिस्तान इस तरह से बनेगा, लूजिंग ऑल ऑफ यू, तो इट्स अ वेरी सीवियर पेन इन माई हार्ट एज आई एम कमिंग क्लोज टू लीविंग दिस अमानत इन दिस पोजिशन, एंड आई थॉट इट इज मस्ट कि मैं आपसे ये ब्रॉडर विजन आपके सामने रख दूं, और आपके ऊपर ये जिम्मेदारी छोड़ूं कि आप इस मुल्क को उठा लेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सदर डॉक्टर आरिफ